मोदी मामा हाय हाय भट्टर भट्टर हाय हाय भट्टर भट्टर हाय हाय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। गौतम अडानी को एक बड़ा झटका लगा है, दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची से बाहर हो गए हैं। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार जो है जितने भी सरकारी बैंक है उनके सामने प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मेनली SBI के सामने प्रदर्शन कर रही है। पीछे की तरफ आप लोग देख सकते हैं भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा हिसार के सामने कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन लगातार मांग भी कर रही है कि जिस तरीके से आज जो है शेयर गिरने के बाद सरकारी बैंक बड़े बड़े अमीरों की मदद कर रहे हैं, इससे गरीबों को नुकसान हो रहा है। किस तरीके के नुकसान हो रहे हैं मुझे ये बताइए। आप लोग मांग कर रहे हैं कि लगातार जो सरकारी बैंक है सरकारी महकमे वो अमीरों को जो ऋण दे रहे हैं, इसकी वजह से अमीर जो गरीब है उनको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है, किस तरीके से आपको लग रहा है? हमारी कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर आज हमने हिसार में प्रदर्शन किया अडानी ग्रुप का जो मामला हुआ उसके खिलाफ। और ये बात आपकी सही है कि अडानी का तो टोटल का टोटल मामला 3 लाख करोड़ का बढ़ता है और उसका असेट्स को दिखा दिया गया 20 लाख करोड़ का। उनको तो बगैर कोलेटरल के लोन दिया जाता है। एक साधारण छोटा दुकानदार एक किसान जब बैंक से कर्ज लेने जाता है तो उससे 3 गुना सिक्योरिटी लेते हैं वो। तो हम तो ये कहते हैं कि ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है, ये सरकार लुटेरों की सरकार है। इस सरकार ने आम आदमी के पैसे को लूटने का काम किया। और हमारी जो सरकार थी कांग्रेस की जो सरकार थी हमने किसानों का 72,000 करोड़ रुपया माफ़ करने का काम किया था और इन्होंने उसके विपरीत 5 कॉरपोरेट घरानों का जो बहुत बड़े घराने थे उनका कर्ज माफ़ किया है। हम तो ये कहते हैं कि जितना अडानी ने घोटाला किया है उसमें छोटे दुकानदार का पूरे देश के और पूरे देश के किसान का कर्ज माफ़ हो सकता था। मोदी जी आँखें खोलो, आम आदमी की सुनवाई करो और इन अंबानी और अडानी के प्यार को दोस्ती को छोड़ करके इनके खिलाफ FIR लॉन्च करो और जनता को जो है ना गाड़ी कमाई का जो पैसा था उसका रिकवरी करवाओ और उनका पैसा बैंकों से दिलवाया जाए। सुमन जी आम जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है लगातार कि कहीं ना कहीं जो है सरकारी बैंक लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपने कब देखा कि सरकारी बैंकों की तरफ से जो है अडानी को लोन दिया गया हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज से 8 साल पहले के अडानी को आप देखो जी। और आज के अडानी को देखो, 1 साल पहले के अडानी को देखो, ये मोदी अडानी और अमित शाह का प्रेमी है जो पूरे देश का धन सारा अडानी के पास इकट्ठा हो गया और गरीब गरीब होता चला गया। आज जो ये धरना प्रदर्शन है उसी का कारण है कि अडानी ने हजार करोड़ों रुपए का एक बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है और अब सरकार उसको LIC भी देना चाहती है और भी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां सारी बेचना चाहती है और अडानी को देना चाहती है। तो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने ही प्रदर्शन करने के पीछे का कारण क्या रहा, क्योंकि बैंक तो बहुत सारे हैं जो और बैंक है वो भी लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। देखो मेन मुख्य शाखा RBI SBI होती है, इसलिए हमने SBI को चुना है क्योंकि SBI मुख्य शाखा होती है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि लगातार जो है अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या सच के अंदर अडानी की मदद कर रही है? बिल्कुल सच है, ये तो अडानी की मदद ये तो सारा देश मोदी जी ने बेच डाला है। गरीब गरीब रह गया और अमीर को ही ये सब कुछ देने लग रहा। आज देश में ऐसी हालत हो रही है जैसी कुछ अगर मोदी इस तरह से चला गया तो हमारे देश की हालत बहुत खराब हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है गरीबों की जो तनख्वाह है जो कमाई है वो अरबपतियों को देकर के उन्हें और ज्यादा अमीर बनाया जा रहा है, क्या सच में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल सच में हो रहा है। 70 साल तक क्या था हमारा देश को आज़ादी देने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया, देश में सब कुछ कराया और अडानी मोदी जी ने आते ही 8 साल में सारा कुछ रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दी, पेट्रोल पंप पेट्रोल देखो ना आप, हम 60 रुपये लीटर लेते थे आज 100 रुपये लीटर हो गया। हम सोचते हैं कि सिलेंडर खत्म हो गया, 1100 रुपये का ब्योत है या नहीं है, बेचारे गरीब हटके चूल्हा जलाने लग रहे हैं। मोदी जी ने तो सारे देश को लूट लिया और लूट लूट के विदेशों में भेज देता अपने दोस्तों को। हमारे तो डर है कि अडानी जी को ना अब विदेश में भेज दे, इसका पासपोर्ट जब्त रखो और हमारे प्रदर्शन इसी तरह से होते रहेंगे। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा बैंकों के बाहर LIC के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये हमारा एक संकेतित प्रदर्शन था भाई केंद्र सरकार जो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, ताकि जो बैंकों ने अडानी को लोन दे रखा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को लोन दे रखा है, ये LIC ने उनमें फाइनेंस कर रखा है, उसके पैसे की रिकवरी हो
ये जरूरी है। आज क्या है, इस प्रकार घोटाला हुआ है, 15 रुपए का शेयर 100 रुपए का दिखाकर जनता के करोड़ों अरबों रुपए लूटने का काम अडानी ने किया है। और आप देखोगे कितना भारी शेयर में गिरावट है, जो आदमी 20 के पहले नंबर पर था आज 20वें स्थान पर चले गया, आज 75% से ज़्यादा उसका शेयर गिर चुका है। इसका मतलब जनता का करोड़ों अरबों रुपए डूबने के चांस है। सांसद के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपील की है कि आप इसकी चर्चा कराइए, मगर भाजपा सरकार चर्चा कराने के लिए भी लोकसभा में तैयार नहीं है। हमारी एक अपील है बैंक से, बैंक वाले उनसे जो पैसे की रिकवरी करे और जितना पैसा कर्ज दे रखा है या उनकी कंपनी पे है लगा रखा है उसकी डिटेल जनता के सामने लाए, नहीं तो हम परमानेंट धरना SBI बैंक के खिलाफ और LIC बाहर लगाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो दोनों का ताला मारने का काम भी कांग्रेस पार्टी करेगी। देश की जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है, क्योंकि आगे कांग्रेस पार्टी ने आना है, भाजपा ने जाना है। भाजपा जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, ये मेन मुद्दा है। इसलिए जनता कांग्रेस की तरफ बार बार मांग कर रही है कि तुम उठाओ। विपक्ष के अंदर हरियाणा में हम हैं, केंद्र में हम हैं, और आगामी सरकार हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी। केंद्र के अंदर जो सरकार बनेगी वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनेगी, इसमें कोई दो राय। आपको बता देते हैं गौतम अडानी की संपत्ति जो है $36.1 अरब तक घट गई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आम जनता को और विपक्षियों को ऐसा लग रहा है कि सरकारी जितने भी बैंक है वो अब गौतम अडानी को लोन प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसकी वजह से आम आदमी का जो भी पैसा है वो अरबपतियों के पास चला जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए लोन देने की, तो इसके बाद शेयर की अगर बात की जाए तो 50 रुपए का शेयर 100 रुपए का हो जाएगा, जिसके बाद आम जनता जो है महंगाई का सामना करेगी। कई और बातें जो है वो भी निकल कर के आ रही है। एक जो है वेबसाइट है उसने भी कहीं ना कहीं गौतम अडानी को लेकर के एक पूरा पर्चा जो है 9 पेज का वो भी निकाला है, जिसकी वजह से भी गौतम अडानी के शेयर गिरे हैं, जिसके बाद रातों रात गौतम अडानी के अरबों के अंदर शेयर गिर चुके हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एक अरबपति के शेयर गिरने के बाद किस तरीके से जो है सरकार पूंजीपतियों की मदद करने वाली है और इससे आम आदमी को कितना नुकसान होगा, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार।